नमस्कार, मैं हुस्नैया शर्मा, स्वागत है आपका चुनाव टीवी में। तो ये नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में विद्युत मंत्रालय ने जिला प्रशासन NHPC और JPDCL के सहयोग से आज सामुदायिक हाल डोडा में बिजली महोत्सव का आयोजन किया। तो देखिए प्रदीप सिंह राणा की रिपोर्ट। NHPC के DGM महाराणा जी, NHPC के सीनियर मैनेजर अशोक धनवाल, मेरा नाम अशोक धनवाल है और मैं वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन NHPC किश्तवाड़ में अभी कार्यरत हूँ। सर, ये उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य ये @2047 एक कार्यक्रम है जिसको बिजली महोत्सव का नाम दिया गया, और ये केवल यहीं पे नहीं पूरे भारतवर्ष के जितने 773 ज़िले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके अंदर सबके अंदर ये मनाया जा रहा है, और हर ज़िले के अंदर ये कार्यक्रम दो जगह पर हो रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है हमको ये बताना कि इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की क्या महत्व है उसका हमारे जीवन में, और इसके पिछले 8 साल में हमने किस तरह की उपलब्धि हासिल की है, वो केवल हाइड्रो में ही नहीं, उसके अलावा जो हम पवन के थ्रू और जो सोलर के थ्रू जो जिस तरह की हमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी एडिशन किया है उसके बारे में बताना है, और इसके थ्रू हमारा एक ये भी रहा है कि वो लोगों को बिजली का महत्व पता चले और उसको जब आवश्यकता हो तभी उसको खर्च करें और अनावश्यक रूप से उसको ना जलाएं। और हमारा एक मुख्य उद्देश्य था कि जो ये बच्चे यहाँ बैठे हैं स्कूल के, ये केवल ये चीज़ अपने मैसेज ना रखें अपने घर परिवार तक और आगे गाँव में शहरों में फैले, जिससे कि हमको इस चीज़ के बारे में पता चल सके। ये सर एक निरंतर प्रयास है, और अगर हम पिछले 8 साल में 10 साल में देखें तो बिजली के उत्पादन की क्षमता में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। मैं अगर हम J&K की बात करें तो जो हमारा किश्तवाड़ ज़िला जहाँ पर है और डोडा जो हमारा यहाँ पर है, इसमें हमारे NHPC की जॉइंट वेंचर के अंदर आपने सुना ही होगा सर, पाकल दुअल, कीरू कवार, रटले और करथई जैसी परियोजनाएं वहाँ पर आ रही, दुलस्ती 2 जैसी परियोजनाएं हो रही हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन में, और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये भी बिजली उत्पादन में आ जाएगी। हमारा 390 मेगावाट का जो दुलस्ती पावर स्टेशन है वो अभी यहाँ पर उत्पादन कर ही रहा है। इसके अलावा उरी 1, उरी 2, किशनगंगा, सलाल और सेवा जैसे जो प्रोजेक्ट हैं NHPC के, वो J&K में अभी बिजली उत्पादन में लगे हुए हैं। सर, आप सब लोगों का स्वागत के आपने इस पूरे कार्यक्रम को जो है लोगों में लेके जाएंगे। आज का हमारा ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसको मनाते हुए बिजली के सेक्टर में क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं, क्या क्या उन्नति की गई है, आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि देश ने आज बिजली के क्षेत्र में बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई हैं, और ख़ास करके जम्मू कश्मीर UT में हमारे अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट में जितनी बिजली यहाँ पर आज की डेट में है, और आने वाले समय में जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पर, उन पर ज़ोरों से काम हो रहा है, और आने वाले कुछ ही सालों में यहाँ पर बहुत सारी बिजली जो है उसका उत्पादन हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इस बिजली का सही इस्तेमाल हो, हर गांव, हर मोहल्ले तक बिजली पहुंचे, उसके लिए भी यहां पर साथ साथ में काम हो रहा है।
और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये ख्वाहिश है कि हमारे गांव में बैठे हुए लोगों को भी बिजली का वही फैसिलिटी मुहैया हो। यहां पर हमारा लिखा पढ़ा नौजवान यहां पर बिजली से कारखाने चलाए, यहां पर इंडस्ट्री लगाए, उसके लिए भी हर गांव तक बिजली, हर मोड़े तक बिजली पहुंचाने की ज़रूरत है। उसमें भी काम हो रहा है और अभी कुछ काम करने की ज़रूरत है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अभी कुछ एक गांव रिमोट में, जैसे हमारा देसा के पीछे का इलाका है, इधर भलेस में कुछ एक गांव हैं और भी गोवा मरम्मत की तरफ हमारे कुछ एक गांव हैं जो अभी भी अनकनेक्टेड हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए यहाँ पर उनको भी फोकस किया गया है और कंसर्निंग डिपार्टमेंट को ये हदायत यहाँ से दी गई हैं कि वो जल्द से जल्द वहाँ पर बिजली पहुँचाने की बात करें। हालांकि कहा गया है कि किसी टाइम में वहाँ पर बिजली पहुँचाई गई थी, लेकिन डेंस फॉरेस्ट होने के कारण, स्नोबोर्ड होने के कारण वो तारें टूट जाती हैं, लिहाजा इनको सजेस्ट किया गया है कि वहाँ पर केबल के ज़रिए बिजली पहुँचाई जाए या फिर सोलर पैनल के ज़रिए, जो छोटे मोटे मोड़े हैं आज सोलर में भी काफ़ी तरक्की हुई है, तो उनको भी इस बिजली का जो है फ़ायदा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं और इसके साथ साथ लोगों को भी अवेयर किया जाए कि वो बिजली का जायज़ इस्तेमाल करें और जो बिजली खर्च की जाती है उसका बराबर बिलिंग भी हो, उसका बराबर भुगतान भी हो। लेकिन डिपार्टमेंट में भी अभी कुछ एक कमियां रही हैं कि वो हर गरीब को और अमीर को एक जैसा किराया जो है वो मांगते हैं, लिहाजा उनको ये कहा गया है कि मीटर इंस्टॉल किए जाएं, जो जितनी बिजली खर्च करता है उसको उस हिसाब से बिल होना चाहिए। एक गरीब आदमी अगर दो कमरे कुल उसके पास हैं तो वो 10 बल्बों की बिजली का भुगतान क्यों करे। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। स्कूल के बच्चे आए थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे सब लोग थे, हमारी कौंसिल के BDC DDC सारे लोग इसमें सम्मिलित हुए और इनको कहा गया है कि ये प्रोग्राम आने वाले समय में जगह जगह पे कराए जाएं, ब्लॉक लेवल पर कराए जाएं और लोगों को अवेयर किया जाए कि वो इन चीज़ों को एश्योर करें कि बिजली हर जगह पहुँचे और उसकी बिलिंग भी जो है हर आदमी से तरीके से ली जाए, जो जितनी बिजली खर्च करता है उतना ही उससे जो है किराया लिया जाए। तो यही बातें आज डिस्कस हुई हैं और बड़े अच्छे से विस्तार से यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि आप भी अपने माध्यम से ये सारी चीज़ें मासेज में लेके जाइए, लोगों में लेके जाइए, क्योंकि लोगों के सहयोग के बिना कोई भी कार्य जो है वो संभव नहीं है। लिहाजा लोगों की भागीदारी इसमें 100% होनी चाहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूँ रिंकू सुमड़िया। आज हम मौजूद है कम्युनिटी हॉल डोडा में। जैसे कि आप सबको पता है कि जो आज़ादी के 75वें साल का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, डिजिटल वीक का जो दूसरा, कल जो पहले इसका शुरुआत हुई थी, आज इसका दूसरा डे जो है मनाया जा रहा है। तो आज के जो डे का जो थीम है वो है बिजली महोत्सव। बिजली के उस पे टॉपिक पे जो है आज प्रोग्राम जो है कम्युनिटी हॉल डोडा में मनाया गया। इसमें जो है बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, अपनी कल्चर आइटम जो है प्रेजेंट की इधर, और खासकर नुक्कड़ नाटक की बिजली की थीम पे नुक्कड़ नाटक जो है पेश किया कि हमने बिजली की जिस तरह एक साइड से एक भारत को बिजली की ज़रूरत थी। पहले लोग जो होते थे, बच्चे जो होते थे, उनको तालीम हासिल करने के लिए रात को अंधेरों में जो पढ़ना पड़ता थे वो दिए जला के पढ़ते थे। लेकिन आज मॉडर्न टाइम की बात की जाए तो आज हर एक घर में बिजली जो है वो अवेलेबल है, बट कुछ ऐसे एरिया भी है जहां अभी भी बिजली जो है वो नहीं है। तो इसके जो थीम था इस पे बच्चों ने जो है नुक्कड़ नाटक पेश किया। और वही दूसरी बात हम आपको बोले कि जहां हमें बिजली की ज़रूरत होती है, हमें बिजली का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमें जिस हद तक बिजली की ज़रूरत होती है उसी तक हद तक हमें इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरी साइड से देखें तो बिजली का हमें इतना भी वो नहीं करना चाहिए कि हमें बिजली ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अगर हम बिजली को ज़ाया करेंगे तो आने वाले वक्त में जो है पूरा देश, जहाँ एक तरह से आज बिजली हर एक घर में बिजली है, तो वहीं आने वाले टाइम में जो है लोग जो है बिजली के लिए तरसेंगे। तो इसी प्रोग्राम जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन डोडा है पूरे देश में जो है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो इसी तरह जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन डोडा है उनके सहयोग से जो है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो इस जो 28 को जो है बद्रवा में यही जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आप देखते रहिए चिनाब TV। धन्यवाद।
जिला प्रशासन ने डिजिटल वीक मेले के दूसरे दिन यहां कॉन्फ्रेंस हॉल मित्रा में विभिन्न सरकारी वित्तीय सामाजिक विकास और बैंकिंग क्षेत्र की योजनाओं के आयोग के बारे में लोगों ने जागरूक करने के लिए गतिविधियां तेज कर दी हैं। तो देखिए ताहिर मुश्ताक की रिपोर्ट। आप सभी से अनुरोध फिर से किया जाता है कि इस मेले का जितना हो सके उतना लाभ उठाइए। 10,28,353 पेजेस जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं। और यस टीम ए एम पे राइट आंसर। एंड क्या आंसर दिया था इसने? थैंक यू एवरीवन जिन्होंने यहाँ पे आज हमारे साथ पार्टिसिपेशन होती है तो उसके बाद रिन्यूअल भी होता है हर साल। ये सारी सुविधा ऑनलाइन आज चल रही है। इसके अलावा हमारे पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट है, उसके अंदर भी जो कंट्रेक्टर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेनी होती है। हम स्कीम थी वो इसके बारे में हमने बताया तो जो बहुत सारी स्कीम जो है जैसे मैं पीएमजीपी स्कीम की बात करूं डीआईसी। आवास योजना करानी जिसके तहत हम मकान देते हैं हाउसेस। यदि आप साइट में हैं नहीं हैं, आप आवास सुरक्षा के सर्वे में हैं, ये आपको टोटल हर एक ब्रीफली जानकारी आपके फोन में दिखाई दी है। भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में बिजली मंत्रालय जिला प्रशासन किश्तवाड़ JPDCL और NHPC के सहयोग से उज्जवल की छात्र छाया में किश्तवाड़ में बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान BDC अध्यक्ष ने बिजली के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके अलावा DC किश्तवाड़ अशोक शर्मा और JPDCL अधिकारियों के नेतृत्व में सरकार और जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। रामबन जिले के रामसू के हिंगनी इलाके में सड़क हादसे में घायल एक महिला की रविवार को यहां एक अस्पताल में मौत होने से मृतक की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। आपको बता दें कि रविवार को रामसू के हिंगनी इलाके में शादी पार्टी ले जा रहे एक वाहन ने चालक से नियंत्रण खो दिया और गहरी खाई में गिर गया। जिला प्रशासन रामबन ने घटना पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को सड़क दुर्घटना पीड़ित निधि के तहत राहत राशि देने की दी जाएगी। हम तो ये बयान ही नहीं कर सकते ये कितना बड़ा सानिया था। एक्चुअली ये मेरी पंचायत में शादी आई थी शगन से और यहाँ से अभी जो हम दफना रहे ये मेरी बहन है जो कि आप लोगों को भी पता है इसका जो घर वाला है वो अरसा 6 साल से मंजूर है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बहुत बड़ा सानिया है मेरी पंचायत के लिए और ये सदमा हम कभी बराबर नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अब ज़्यादा बोलने से बेहतर यही है मैं गवर्नर साहब से और अपने DC रामबन साहब से गुजारिश यही करूं कि जितना हो सकते इनकी रिलीफ जल्दी रिलीज़ की जाए क्योंकि ये बेसहारा हो गए। इनके जो इन बच्चों के जो वालद साहब है वो अरसा 6 साल से काम नहीं कर सकते हैं। कुछ कारण की वजह से उनका भी पहले एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरी गुजारिश है गवर्नर इंतजामिया से और ख़ास कर DC साहब से, बहुत अच्छे DC साहब हैं हमारे, उनसे मेरी गुजारिश है कि जो ये बोहरदार मेरी पंचायत में जो सानिया हुआ इनके बच्चे बिल्कुल मासूम हैं और बच्चे छोटे हैं और इनका जो घर वाला है वो अरसा 6 साल से वो कमाने के काबिल नहीं है। लिहाजा इनकी जो भी जितनी भी ज़्यादा हो सके रिलीफ फरहम करे जल्द अज जल्द। ताज़ियती एक विजिट था, जैसे कि आपने देखा कि 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक दिलदोज हादसा जिसमें 6 जाने चली गई और जिसमें 2 जख्मी हैं। 8 लोग जो है उस गाड़ी में सवार थे। मैं अभी तक 2 अमवात पे गई हूँ और उनकी फैमिली मेंबर से मिली हूँ, उनके लवाहिकीन से मेरी बात हुई है। सभी लोग BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं, पुअर फैमिलीज़ हैं और जिनकी डेथें हुई हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी मिसेज़ हैं, माँ बाप हैं। कोई, मुझे लगता है कि आगे बढ़ने का कोई साधन नहीं है।
मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले ये अपील करूँगी एलजी इंतज़ामिया से कि जैसे ही हादसा हुआ था उसी वक़्त मैंने एक अपील गवर्नर इंसाम से की थी कि जो जिनकी डेथें हुई हैं उनको 5-5 लाख रुपए दिए जाएं और जो ज़ख्मी है उनको 1-1 लाख दिया जाए। हालांकि रेड क्रॉस से काफ़ी हद तक जो है हेल्प इनको मिली है, लेकिन वो हेल्प जो है पूरा उनकी जो आखिरी रसूमात हैं उन पर ही पूरा हो गया और आगे बढ़ने के लिए उनको कोई साधन नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगी आपके माध्यम से एलजी इंतज़ामिया से कि 5 लाख रुपए जिनकी अमवातें हुई हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक्सग्रेशिया रिलीफ दिया जाए और जो ज़ख्मी हैं आज भी हॉस्पिटल में हैं उनको 1-1 लाख दिया जाए ताकि जो ज़ख्मी हैं वो अपने आप को जो है अपनी जो वो बीमारी है उससे वो उभर के आ सकें और जो जिनकी अमवातें हुई हैं उनके फैमिली मेम्बर्स उनके बच्चे उनका के बच्चों का भविष्य जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर उनको बढ़ाना चाहते हैं अगर उनकी ज़िंदगी संवारना चाहती है तो मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी है उनको इस वक्त जो एक्सग्रेशन रिलीफ अगर दिया जाए तो वो जो घर हैं जहाँ मौतें हुई हैं वो कम से कम उनकी जो कमी है वो पूरी तो नहीं हो पाएगी जो उनके घरों से चले गए जिनकी मौत हो गई, लेकिन कम से कम वो अपने पाँव पर ज़रूर खड़े हो सकते हैं। आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।